Hey guys, this is SK Raj and you are watching Tech Buzz. इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कैसे आप अपने Realme मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स की प्रोफाइल पिक्चर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ जिन दो तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने जो कॉन्टैक्ट्स की प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। और जैसे आप प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे तो आपका जो कॉलर स्किन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपका जो कॉलर स्किन था वो ब्लैक कलर में आता था और अब जब आप प्रोफाइल पिक्चर लगा लेंगे तो कुछ इस तरह का जो है बैकग्राउंड में इमेज दिखेगा, तो जो दिखने भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की ट्रिक्स एंड ट्रिक रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। और उसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। कॉन्टैक्ट के प्रोफाइल पिक्चर सेट करने के लिए सबसे पहले आपको डायलर पे क्लिक करना है, देन यहाँ से आपको क्लिक करना है कॉन्टैक्ट्स पे और फिर यहाँ से आपको एक कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करना है जिस कॉन्टैक्ट के आप प्रोफाइल पिक्चर सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी एक कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है एडिट पे और फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्लस पे। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा टेक फोटो सिलेक्ट फोटो, तो अगर आप डायरेक्ट फोटो खींच के सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेक फोटो पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप गैलरी से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिलेक्टेड फोटो पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिलेक्टेड फोटो पे, देन यहाँ से आपका गैलरी ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप जो है कोई भी फोटो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, देन यहाँ पे आपको जिसको एडजस्ट कर लेना है तो यहाँ पे अपने हिसाब से क्रॉप कर लीजिए। और तो यहाँ पे क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखे आ चुका है, देन यहाँ पे आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे सेव हो चुका है। प्रोफाइल पिक्चर सेट करने का जो दूसरा तरीका है उसके लिए आपको गैलरी को ओपन करना है, देन यहाँ पे आपको उस फोटो को सिलेक्ट करना है जिसका कॉन्टैक्ट है उसको। दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेट एस पे और फिर यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा सेट एस कॉन्टैक्ट फोटो, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन यहाँ से आपको उस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करना है जिसका ये फोटो है। तो यहाँ से मैं कोई भी एक लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रॉप फोटो पे और फिर यहाँ पे आपको इसको जो क्रॉप कर लेना है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, देन यहाँ से आपको डन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोफाइल पिक्चर है वो सेट हो जाएगा। तो चलिए मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कैसे आप जो प्रोफाइल पिक्चर को डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए आपको उस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडिट पे और फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रोफाइल पिक पे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट फोटो का, तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है डिलीट हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेव कर देना है। तो इस तरह से जो है आप रिमूव कर सकते हैं कॉन्टैक्ट फोटो को।